तो हमारे यहाँ से सृष्टि मैम, सृष्टि देशमुख मैम भोपाल से ही हुई थी, फिफ्थ जी रैंक था उनका, तो वहाँ से ही मतलब हमारा शुरू हुआ, तैयारी हमारे उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो वही है मोटिवेशन। यानी 2000। लेकिन इस बार ही अब करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट दे रहे हैं तो, और इंग्लिश का तो ठीक ठाक था, इंग्लिश का पेपर इजी था। क्या एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हम यूपीएससी भवन के सामने, तो आज हमारे साथ में एक सर है, तो आज सर से जानेंगे कि इनकी बुक लिस्ट रही क्या रही, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। तो सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुमित पांडे, मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। ओके सर, तो जैसे आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आप कितनी बार आपका मेंस था या इंटरव्यू कितनी बार था? ये फर्स्ट मेंस है, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके सर, तो आप जैसे होता ना कि आप इंटर गए, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चन आते थे, क्या क्या क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से पूछे? थोड़ा सा अभी न्यूज़ में चल रहा है जो अटल से, तो ये सब न्यूज़ में चल रहा है तो इससे पूछा। और इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है जी, थोड़ा बहुत जनरल चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और थोड़ा सा करंट से भी पूछा, INS इम्फाल वगैरह के बारे में। कोई ऐसा जियो पोलिटिकल क्वेश्चन था या फिर कुछ और किस तरीके से? जैसे अभी जियो पोलिटिकल का जो मैं सोच रहा था, मालदीव वगैरह का नहीं पूछा। और इसे जैसे इसराइल का या फिर हमास का कंफ्लिक्ट कोई नहीं है सर? तो और सिविल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन चले। हाँ। और सर एक बात और करें, जैसे सर आप आते हैं बहुत बार, जो अभी रिसेंटली 23 का पेपर हुआ, सीसेट बहुत लोगों ने फेल किया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? जो IITN भी हैं और पिछले सेलेक्ट भी हैं, IPS भी हैं, IRS भी हैं, वो सीसेट में कहीं ना कहीं लैग कर पाए, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या रही अलग? मेरा मैथ्स ही था बैकग्राउंड और NIT से, तो इस वजह से मुझे तो थोड़ा सा ठीक लगा मैथ्स। हाँ। क्या उसके लिए कोई आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी रही या फिर आप रैंडम, आप NIT से आते हैं? हाँ। आप रैंडम जाके आते एकदम रैंडम था। मैं सच बताऊँ आपको, एक दिन पहले मैंने लास्ट ईयर का पेपर देख कर रहा था सॉल्व जी, उसके बाद मैं चला गया वहाँ जाके, तो मतलब मुझे भी शौक लगा, ये डिफिकल्ट था पेपर, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा था क्वेश्चन, तो वो छोड़ा, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करके कवर किया उसको। लगभग लगभग कितने क्वेश्चन थे कि आप इतना अटेम्प्ट करते हैं फिर आप, आपका इतना सिक्योर हो जाता है वो चीज़? सर जनरली जैसे 55 मैथ्स के आते हैं, तो मैं 40-45 तो इजीली मैंने सोचा था कर लूँगा लास्ट ईयर को देख के जी, और इस बार मैं 25 के करीब ही कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है IIT वालों के लिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। आर्ट वालों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, जो कि मतलब एक होता है ना कि बहुत टफ हो जाता है आर्ट वालों के लिए, क्योंकि 12th हाई स्कूल के बाद वो मैथ छोड़ ही देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा, सजेशन क्या होगा सीसेट पर? प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इंग्लिश तो डुएबल है, इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही चाहिए। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है सर? अच्छा खासा रहता है, मतलब जैसे मतलब एक होता है ना कि आप हाई स्कूल का करके जाते हैं या फिर आपका नाम है बेसिक। इस बार तो बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा था, 11th 12th का भी था, क्योंकि 10th तक है सिलेबस में जी जी जी, तो कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, पर अच्छे रहते हैं क्वेश्चन, 10th के ही रहते हैं लेवल, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। जैसे सब्जेक्ट तो नहीं आते उससे ज़्यादा, PNC आता है जी जी, 10th के सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी करूँगा इस बार ही, मतलब एग्ज़ाम तो दूंगा ही, मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म तो भरूंगा तो तैयारी करूंगा, तो मैं भी इस बार करूंगा। अभी तो जो 2023 का प्रीलिम्स है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपने जैसे आपने बताया कि आपके 3 अटेम्प्ट कैसे लग गए, आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड एंड, आप थर्ड में मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको 3 अटेम्प्ट का जो गैप रहा, क्या आप कैसे इस तरीके से आप भर पाते हैं या फिर आपका अटेम्प्ट कैसा रहा, और उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा जो 2024 में देना चाहते हैं प्रीलिम्स? अब दो नहीं हुआ मेरा पिछले बार, तो बुरा लगता ही है, लेकिन फिर उसमें यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, हो जाता है, मतलब हार्ड वर्क वगैरह जो भी है वो निकलता है, कहीं ना कहीं अच्छा ही निकलता है, तो मेरा भी यही होगा सबको कि अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया अपना पढ़ो, और प्री का थोड़ा सा अभी पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सा जल्दी तैयारी कर सकते हैं प्री के। जैसे कुछ लोग फेब से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी मिड से ही शुरू कर सकते हैं कि अच्छा जाए, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि अब ऑप्शंस वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे हैं इस बार, बहुत सारे 47 क्वेश्चन थे जो केवल ऑप्शंस जो उसके अलग अलग थे, 1 only 2 only वाले जो ऑप्शन थे, उनको प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे वो, तो प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी है जैसा बच्चे देते हैं वैसा करते रहें, हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी आपकी इंटीग्रेटेड रही है या प्रीलिम्स के लिए अलग या मेंस के लिए अलग? क्या क्या आपने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया या आपने NCERT किया, आपने किस तरीके से किया? NCERT तो नहीं पढ़ा मैंने, जब कॉलेज में मैं शुरू किया था प्रिपरेशन तभी पढ़ लिया था, फिर स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़े हैं। प्रीलिम्स में थोड़ा सा तो अलग रहता है, प्री का स्टडी ओरिएंटेशन अलग है, मेंस में अलग है, कुछ कुछ तो सब्जेक्ट ही अलग है मेंस के जी जी, जैसे सिक्योरिटी वगैरह हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, और प्री का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन तैयारी इंटीग्रेटेड ही करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड तैयारी मेंस की करो, उसी में 80% प्री हो जाता है, फिर जो 20% थोड़ा सा
रहता है उसको अलग से तैयारी कर सकते हैं उसकी। जैसे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी इस बार ही आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट के आ रहे हैं, तो मेंस में तो इतना एनवायरनमेंट इतना हद तक नहीं पढ़ते, मतलब जो मेंस में सब्जेक्टिव पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव फ्री में पढ़ते हैं, तो फ्री का मेरे ख्याल से इंटीग्रेट तैयारी रहनी चाहिए। जैसे आपने बताया सर कि आप दिल्ली नहीं, आप जो है एमपी, क्या दिल्ली का जो गैप राजेंद्र नगर का, मुखर्जी नगर का, क्या आपको कहीं मतलब ये लगा कि आप मैं दिल्ली जाता या फिर राजेंद्र नगर में मुखर्जी नगर जाता तो वहाँ पे जो मेरे दो अटेम्प्ट थे क्या हो पाते, या आप घर से कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो घर से कर रहे हैं, स्पेशली चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो? अब तो ऑनलाइन है तो मेरे ख्याल से इतना कोई डिफरेंस नहीं है, माहौल आपको चाहिए तो दिल्ली आ सकते हैं। मेरे लिए मेरे दोस्त सब भोपाल में ही हैं, वो भी भोपाल से तैयारी कर रहे हैं तो ईजी पड़ा भोपाल से करना, बाकी सब ऑनलाइन अवेलेबल है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने बताया सर कि 80% सिलेबस जो है आप मेंस का करिए उससे आपका वहाँ का प्रीलिम्स हो जाएगा, तो क्या आपने आंसर राइटिंग किस तरीके से की? एक होता ना कि किस तरीके से, मतलब आपने प्रोस कॉन्स से या फिर डायग्राम फ्लो चार्ट आपने किस तरीके से किया? एक तो टॉपर्स की कॉपी सब, मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी रहती हैं जो हर कॉपी में आपको कॉमन मिल जाएंगी तो उसको पकड़ लो, वो तो करना ही है। उसके अलावा मैथ तो नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम कम था मेंस का, मतलब मैं सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था तो वो करने में लग गया अच्छा, पर पेपर कंप्लीट होना चाहिए मेरे ख्याल से और ज़्यादा पॉइंट्स लिखना बेनिफिशियल होता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके लिए डायग्राम वगैरह बनाओ, अच्छा रहता है डायग्राम जहाँ आप बना सकते हो। मुझे तो इतना टाइम पता नहीं मिला ही नहीं कि ज़्यादा मैंने फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बना पाया क्योंकि पेपर कंप्लीशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मेरा स्पीड शायद राइटिंग का कम हो इस वजह से, पर यह था कि हाँ कंप्लीट किया है तो मुझे लगता है उससे बेनिफिट हुआ होगा। तो आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा है, जैसे मोटिवेशन के सोर्सेज बहुत लोग होते हैं ना कि सर मतलब ये मोटिवेशन, तो आपके लिए स्पेशल मोटिवेशन क्या रहा? मेरे लिए तो मेरी फैमिली है, फैमिली ने ही मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और मेरे दोस्तों ने। सर आपने किसी बता रहे टॉपर्स, आप लगभग कौन से ऐसे टॉपर्स हैं जिनको आप मतलब ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? जब कॉलेज में 18 से जी तो ये इतना लंबा मतलब कॉलेज कट का टाइम से तो आपने बिल्कुल मन बना लिया था जी, 19 से मतलब शुरू किया था, 18 उनका रिजल्ट भी 19 में आया था ना, 18 तो उनका बैच था, 19 में रिजल्ट आया था, एक साल बाद आता है ना रिजल्ट, तो 19 से ही मैंने शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, फिर कॉलेज में कोविड में थोड़ा सा छूट गया बीच में जी, पर फिर उसके बाद पकड़ा थोड़ा तेजी से, मोटिवेशन भी मेरा वही है। तो 2024 के लिए जो एस्पिरेंट्स है या फिर जो न्यू एस्पिरेंट्स अभी बिगनर है स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, आपका क्या फोकस रहेगा कि आप इन चीज़ों को करके जाइए, या फिर स्पेशली क्या फोकस रहेगा आपका? मेरा तो यही है कि अच्छे से सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्योंकि पेपर जिस तरीके का आ रहा है उसमें प्रैक्टिस थोड़ा ज़रूरत है, वहाँ जाके शौक एलिमेंट ना रहे, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहो फ्री का, अब क्योंकि अगली बार क्या पता किस तरीके का पैटर्न आ जाए, तो पहले से ही काम रहो बिल्कुल आराम से, पेपर सॉल्व करो, काम माइंड ऑलवेज हेल्प, चाहे फिर वो मेंस हो फ्री हो इंटरव्यू हो, शांत दिमाग रखना चाहिए और हार्डवर्क करो अपना बढ़िया, कभी ना कभी मतलब हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ टू, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, थैंक यू सर। थैंक यू।